और चलिए सीधे एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री माननीय आशुतोष टंडन जी, ग्राम्य विकास के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद कौशल किशोर जी, AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, आज के इस समारोह में उपस्थित AKTU और उससे संबद्ध विभिन्न संस्थाओं के सभी सम्मानित आचार्यगण, विद्यार्थीगण, उपस्थित महानुभाव एवं पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के नवीन परिसर के लोकार्पण हेतु हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की 400 केवी लखनऊ कानपुर DC ट्रांसमिशन लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है, साथ ही देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस क्रम में एक महत्वपूर्ण आयोजन इस देश के ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को आवास वितरण के स्वीकृति पत्र के वितरण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मई 2000 में उत्तर प्रदेश के अंदर प्राविधिक शिक्षा में एक समरूपता लाने के लिए तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। मई 2000 में स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सितंबर 2015 में देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ और आज इस विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का लोकार्पण डॉक्टर कलाम के स्मारक और देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों के स्मारक का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां पर संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश का यह प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के 621 प्राविधिक संस्थाओं को संचालित करता है, जिसके अंतर्गत 2,86,000 से अधिक छात्र छात्राएं टेक्निकल एजुकेशन यहां पर प्राप्त करती हैं। यह विश्वविद्यालय प्राविधिक शिक्षा के उच्च मानकों के अनुरूप शिक्षण एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु तत्पर है और देश एवं समाज के परिवर्तन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमुख भूमिका का निर्वाह प्रारंभ किया गया है
और इस क्रम में विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ जितने भी भुगतान हैं उन्हें ऑनलाइन करके कैशलेस ट्रांजैक्शन के साथ जोड़ने का कार्य प्रमुखता के साथ संपन्न किया है। इस विश्वविद्यालय ने सभी पंजीकृत छात्रों को आधार नंबर के साथ जोड़ने और भविष्य में शैक्षिक उद्देश्यों में इसका उपयोग किया जा सके इसके लिए एक अभिनव कार्य किया ही है। साथ ही साथ विद्यालय के नामांकन प्रश्न पत्रों के परीक्षा केंद्रों में भेजने आदि की कार्रवाई को भी ऑनलाइन करने का कार्य, उत्तर पुस्तिकाओं के नामांकन मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों का निर्धारण आदि भी डिजिटल माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ है। स्टूडेंट ग्रीवांस ऐप भी इस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। साथ ही छात्रों में करके सीखो की संस्कृति विकसित करने के लिए इनोवेशन और इक्यूवेशन परियोजना इस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की है। वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में प्रदेश में अभियांत्रिक शिक्षा के तहत इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेशन और इक्यूवेशन को समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके तहत इस विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार के द्वारा चार महत्वपूर्ण संस्थाओं के अंदर IIT लखनऊ, HBTU कानपुर, UPTI कानपुर तथा MMTU गोरखपुर में इनोवेशन और इक्यूवेशन केंद्र स्थापित किए हैं। भविष्य में 25 अन्य केंद्रों में भी इन्हें स्थापित करने की दिशा में विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के AKTU के द्वारा इन योजनाओं को अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्टअप इंडिया जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की दिशा से एक नई पहल प्रारंभ हुई है। हमें विश्वास है कि इन योजनाओं से आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या को कम करने और आपके उन प्रयासों में जिसमें भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास आपने प्रारंभ किया है, यह विश्वविद्यालय उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को कौशल विकास कर उन्हें सुगम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, आर्थिक असमानता के साथ साथ आर्थिक कदाचार को भी रोकने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो व्यवस्था देश के अंदर आपके निर्देशन में प्रारंभ हुई है, यह विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ कर रहा है। प्रदेश सरकार ने भी भीम ऐप और भीम आधार सेवा को प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ते हुए प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक जन सुविधा केंद्रों को इस सुविधा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। प्रदेश के अंदर 16,000 बैंक की शाखाओं को भीम ऐप के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण किया गया है। साथ ही साथ आने वाले समय में राज्य में 312 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि प्रदेश के अंदर विकास की जितनी भी योजनाएं प्रारंभ हो उसे हम ई टेंडरिंग के माध्यम से ही प्रारंभ करेंगे और इसको प्रदेश ने लागू किया ही है। इसके साथ साथ आने वाले समय में सरकारी कार्यालयों में, चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में ई ऑफिस और ई व्यवस्था लागू हो, ई हॉस्पिटल की व्यवस्था लागू हो, इसके लिए हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अभी तो काले धन पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो आपकी मंशा है कि असमानता दूर हो, अमीर और गरीब के बीच खाई पटे,
गांवों में भी अत्याधुनिक संचार सुविधाएं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कौशल विकास के क्षेत्र में 5 लाख से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में उनके कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। प्रदेश सरकार इस संबंध में लगभग 6 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों का अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और बहुत शीघ्र यह पहल आगे बढ़ेगी। राष्ट्र को तकनीकी और सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, उसी क्रम में डॉक्टर कलाम तकनीकी विकास के क्षेत्र में देश को जिस क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहते थे, उस उनके प्रति भावांजलि व्यक्त करने के लिए प्रदेश की सरकार ने इस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के इस तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रखा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के इस नवीन भवन का जब लोकार्पण आपके कर कमलों से यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, तो यह प्रदेश और देश के लिए एक भावपूर्ण क्षण है। इस अवसर पर पुस्तकालय जो भवन यहाँ बना है, जहाँ डॉक्टर कलाम का एक स्मारक, भव्य स्मारक भी बना है, देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों श्री आर्यभट्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, श्री सत्येंद्र नाथ बोस, श्री प्रफुल्ल चंद्र राय, श्री रामानुज श्रीनिवासन, श्री वेंकट रमण चंद्रशेखर, श्री विक्रम साराभाई, श्री होमी जहांगीर भाभा, श्रीमती जानकी अम्माल, श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मूर्तियां भी इस भव्य स्मारक के पुस्तकालय में स्थापित की गई हैं। इस अवसर पर आज आपके करकमलों से ग्रिड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 400 केवी लखनऊ कानपुर डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। यह लाइन देश के पूर्वी भागों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में उच्च क्षमता की निर्माणाधीन उत्पादन इकाइयों से उत्तर प्रदेश तथा इस देश के उत्तरी भागों में ऊर्जा पहुंचाने में सहायता करने के साथ ही प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। महोदय, आपकी कृपा से प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के लिए अगले 3 वर्ष के दौरान 24,45,000 आवास इस देश के गांवों में निवास करने वाले गरीबों के लिए निर्मित होने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यद्यपि आपने इस योजना का शुभारंभ 2016 में आगरा से प्रारंभ किया था, पर्याप्त मात्रा में धनराशि दिए जाने के बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाई थी, लेकिन आपके मार्गदर्शन में सबका साथ और सबके विकास की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की इस नवगठित सरकार ने 6 लाख से अधिक इस देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले उन परिवारों का रजिस्ट्रेशन करके अब तक 5,43,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रत्येक परिवार को 1,20,000 रुपये की राशि आवास के लिए निर्मित आवास निर्माण के लिए उपलब्ध करानी है, उनकी पहली किस्त जारी कर दी है और उसमें आज कुछ लाभार्थियों को आपके कर कमलों से आवास यहां पर उपलब्ध होने हैं। हम लोगों ने यह भी निर्धारित किया है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख से अधिक ऐसे गरीबों के लिए आवास निर्मित कराएगी और आगामी 3 वर्ष के अंदर 24 लाख के उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी, जो आपने इस देश के अंदर प्रत्येक परिवार को एक एक आवास प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किया है। आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत आह्लादकारी है, जब आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति प्रदेश की राजधानी में प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है। यद्यपि प्रदेश पर आपकी कृपा सदैव से बनी रही है और मैं इस अवसर पर इसलिए भी आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने
तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। भारत की इस प्राचीन विधा को जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व आपने प्रदान किया है, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है, क्योंकि अपने पूर्वजों की इस ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आपके कारण प्राप्त हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करना चाहूँगा, लोगों के अंदर एक बात सामने आती है, लोग कहते हैं कि जहां पर अन्य लोग सोचना बंद करते हैं, मोदी जी उसके आगे सोचते हैं। और इस बात को लेकर के कल आपने उत्तर प्रदेश के एक सपूत को देश के आगामी राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से प्रस्तुत करके प्रदेश के अंदर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का, देश के गांव के गरीब के दलित के बेटे को जो सम्मान देने का कार्य करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का दायित्व एक बार पुनः निर्वहन किया है। मैं प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में पूरा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जहां लोगों की सोच समाप्त होती है, वहां से परम आदरणीय योगी जी सोचते हैं। सज्जनों, सर का, योगी जी का यह सपना होता है कि रास्ते पर चल सके या प्रदेश मेरा शान से, रास्ते पर चल सके या प्रदेश मेरा शान से, हर सफर अब हो शुरू एक गीत के मुस्कान से, मील का पत्थर नया जिस पर सवेरा हो लिखा, शीश ऊंचा राष्ट्र का हो प्रगति के आह्वान से, प्रगति के आह्वान से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब अवसर है माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उनके कर कमलों से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के इस नवीन परिसर के लोकार्पण तथा 400 KV लखनऊ कानपुर DC पारेषण लाइन के राष्ट्र को समर्पित करने का। इस क्रम में मेरा निवेदन प्रेषित है माननीय मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से कि कृपया लोकार्पण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन प्रेषित है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कृपया लाभार्थियों को मंच तक लाया जाए, जिसमें पहली लाभार्थी श्रीमती रामावती मंच पर लाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2016 को जनपद आगरा में हुआ था। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के पश्चात युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए अब तक 6 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है और लगभग 1500 करोड़ से अधिक धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी गई है। उसी कड़ी में लाभार्थी श्रीमती रामावती मंच पर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनको प्रमाण पत्र हस्तगत करा रहे हैं। उक्त योजना के अंतर्गत सरकार की अभूतपूर्व प्रगति के आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सांकेतिक रूप में इन लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। श्रीमती रामावती। अगली लाभार्थी मोहतरमा अफसाना है।
अफसाना को प्रमाण पत्र दिया गया, श्रीमती ललिता श्रीमती रामरति माननीय प्रधानमंत्री से आशीर्वाद प्राप्त करती हुई श्रीमती रामरति, श्रीमती मुन्नी जिंदगी के कई मुकाम अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हम सबने, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती मालती, श्रीमती कैलाशा, श्रीमती केशाना, श्रीमती केशाना, श्रीमती श्रीमती रूपावती, श्रीमती रीना, यह विलक्षण सर, धन्यवाद महोदय। देवियों एवं सज्जनों, अब बारी है भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले शिखर पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी उद्बोधन को सुनने का, जिन्होंने संसद भवन पहुंचने पर प्रवेश से पूर्व भारत माता के सम्मान में यह कहते हुए नमन किया था कि मैं तो प्रधान सेवक हूँ। आपका मानना था कि तुम्हारे दर पे सुकून मिलता है, तुम्हारी इबादत में नूर मिलता है, जो झुकाता है माँ के सजदे में सिर उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्य सरकार के मंत्री श्री गोपाल टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र जी, संसद में मेरे साथी श्री कौशल किशोर जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान विनय कुमार पाठक जी, और नौजवान साथियों, आज एक साथ कई प्रकल्पों के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश में
सरकार के द्वारा जिस उमंग और उत्साह के साथ स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ विकास की यात्रा चल रही है, देश के हर कोने में उत्तर प्रदेश की पल पल की घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान है, बड़ी उत्सुकता है और योगी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक जो कदम उठाए जा रहे हैं परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए कई वर्षों की जो बीमारियां हैं लंबे अरसे के जो अवरोध हैं उसे दूर करते हुए उत्तर प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने के उनके प्रयास योगी जी को उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मुझे कुछ समय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिताने का अवसर मिला। हमारे वैज्ञानिक मानवता के लिए ऐसे ड्रग्स जो सस्ते भी हो, कारगर भी हो और साइड इफेक्ट के बिना त्वरित उपचार करने वाले हो, उसके संशोधन में अपनी पूरी जिंदगी लेबोरेटरी में खपा रहे हैं। वैज्ञानिक एक प्रकार से आधुनिक ऋषि होते हैं और आधुनिक ऋषि की तरह वो अपने लक्ष्य को समर्पित होकर के मानव को किस प्रकार से मुसीबतों से मुक्त किया जाए, शारीरिक पीड़ा से मुक्त किया जाए, परंपरागत ज्ञान विज्ञान को आधुनिक साधनों के माध्यम से, आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से और अधिक सटीक कैसे बनाया जाए, उस पर वो काम कर रहे हैं। आज मानव के सामने खास करके आरोग्य के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं। एक दवाई बनाने बने सालों बीत जाते हैं, सैकड़ों वैज्ञानिक खप जाते हैं, लेकिन उसके पहले नए प्रकार की बीमारी जन्म ले लेती है, एक प्रकार से स्पर्धा चलती है। लेकिन विज्ञान की मदद से, इनोवेशन के सहारे हमने इस दोषों को परास्त करना है, बीमारियों को परास्त करना है और गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते से सस्ती और कारगर दवाई कैसे उपलब्ध हो, इस चुनौतियों का हमने स्वीकार करके विजयी होना है। आज मुझे
इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भवन के निर्माण लोकार्पण का भी अवसर मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता हूं कि तकनीकी जगत के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा कोई प्रेरणा का नाम हो सकता है। साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। और यहीं पर हमारी कसौटी है। विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं, विज्ञान का ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी से उन चीजों की अपेक्षा है कि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से जब टेक्नोलॉजी मानव जीवन को बड़ी प्रभावित कर रही है तब हम टेक्नोलॉजी में वो कौन से संशोधन करें, कौन से आविष्कार करें जो हमारे सामान्य मानवी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाए। हम दुनिया में गर्व कर रहे हैं कि भारत जिसके पास 800 मिलियन नौजवानों की फौज है, 35 से कम उम्र के नौजवानों का ये देश है, उसके पास दिमाग भी है, अगर हाथ में हुनर हो, विज्ञान का अधिष्ठान हो और टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो तो मेरा देश का नौजवान विश्व में अपना डंका बजाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी के सहारे उतनी प्रगति नहीं कर सकते जो पिछली शताब्दियों में बहुत बड़ा रोल कर गई होगी, लेकिन आने वाली शताब्दी में शायद वो उपकारक न भी हो। और इसलिए टेक्नोलॉजी को समय से आगे चलना पड़ता है, उसे दूर का देखना पड़ता है। और भारत के नौजवानों में वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को कैसे पार करें। आज भी हमारा देश डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारी फौज के लिए हर छोटी मोटी चीज विदेशों से हम लाते हैं। क्या हम बहुत जल्द डिफेंस के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं? क्या देश की सुरक्षा के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उसे भारत में ही नए नए आविष्कार के साथ हम क्यों न करें, सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इस सपनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने कई नीतिगत परिवर्तन किए। डिफेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने ओपन किया। हमने भारत के कारोबारियों को पार्टनरशिप के लिए ओपन अप किया।
हमने भारत सरकार जो चीजें बाहर से लेती है अगर हिंदुस्तान में बनी हुई लेगी तो उसको विशेष प्रोत्साहन की सूची तैयार की है। और ये सारे अवसर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए युवा पीढ़ी के लिए है। वैसा ही एक दूसरा क्षेत्र है, आज मेडिकल साइंस एक प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रीवन है। अब डॉक्टर तय नहीं करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, मशीन तय करता है कि आप किस बीमारी से ग्रस्त हैं, आपके शरीर में कहां तकलीफ है, कहां कमी है, कैसी तकलीफ है, वो मशीन तय करता है। और बाद में डॉक्टर उस मशीन के रिपोर्ट के आधार पर आपके लिए आरोग्य की का रोड मैप क्या होगा, दवाइयां कौन सी होगी, ऑपरेशन करना है नहीं करना है, उसके फैसले करता है। लेकिन ये मेडिकल इक्विपमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, भारत इतना बड़ा देश है, उसको इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, हमारी टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स क्यों ना सोचे कि हम वो स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम उस विषय पर खोज करेंगे, हम भारत के अंदर ही आरोग्य के क्षेत्र में जिस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नई खोज के साथ नए निर्माण की दिशा में जाएंगे। मेक इन इंडिया, ये पूरा कंसेप्ट हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हमारे नौजवानों को एक नया अवसर देने के लिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, चाहे फाइनेंस की व्यवस्था करनी हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की व्यवस्था हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्किल को प्राधान्य देना हो, चाहे टेक्निकल नॉलेज में नई ऊंचाइयों को पार करना हो, एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ देश को, देश के पास जो टेक्निकल ज्ञान है, जो टेक्निकल महारत है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास होगी, हमारी नौजवान पीढ़ी के पास होगी, इन सब को संतुलित करते हुए, संकलित करते हुए देश को इस नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और इस देश ने दिखाया है, जब भी हिंदुस्तान के युवा लोगों को अवसर मिला है उन्होंने चुनौतियों को पार भी किया है और नए सीमांकन भी प्रस्थापित किए। मार्स पर जाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने प्रयास किया। पहले ट्रायल में दुनिया का कोई देश मार्स ऑर्बिट में नहीं जा सका था। हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश था जो पहले ट्रायल में मार्स ऑर्बिट में पहुंचा था। और दुनिया को तब अचरज हो गया कि भारत के युवा वैज्ञानिकों ने ये मार्स की यात्रा इतनी सस्ते में की। लखनऊ में अगर आपको टैक्सी में जाना है, ऑटो रिक्शा में जाना है, तो एक किलोमीटर का 10 रुपया तो लगता ही होगा। हम मार्स पर पहुंचे, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपये का खर्चा किया। और हमारा मार्स पर जाने का जो टोटल बजट था वो हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है उससे कम खर्चे में हमारे देश के वैज्ञानिक मार्स पर पहुंच सके। ये सामर्थ्य है हमारी युवा पीढ़ी में, ये सामर्थ्य है हमारे देश के टैलेंटेड नौजवानों में, ये टेक्नीशियनों में, वैज्ञानिकों में। पिछले दिनों जब भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़े, दुनिया के लिए आश्चर्य था कि एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ने की ताकत इस देश के वैज्ञानिकों में है। इस सामर्थ्य को लेकर के आगे बढ़ना है। और उस अर्थ में आज ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उससे साथ जुड़े हुए सारे संलग्न कॉलेजेस, उसको कैसे आगे बढ़ाएं,
मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना कितना कठिन है, हमारे गवर्नर श्रीमान राम नाईक जी चांसलर के रूप में यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन कैसे आए, यूनिवर्सिटी में समय सीमा में काम कैसे हो, इस पर देर रात काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की 28 यूनिवर्सिटी में से 24 यूनिवर्सिटी को आप वो समय पर एग्जाम हो, समय पर कॉन्वोकेशन हो, इसको कराने में सफल हुए हैं। ये डिसिप्लिन बहुत आवश्यक होती है, लेकिन राम नायक जी बहुत ही फोकस काम करने के आदी हैं। जिस चीज को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके रहते हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम, परंपराएं, डिसिप्लिन, विद्यार्थियों के समय की बर्बादी न हो, उस पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रायोजक सुकैम ब्रेनी इको इन्वर्टर, करो फोन से भी कंट्रोल। लालू की शादी में कैसे डर गया था, डर निकालते आज। अरे तुम घबरा मत मुनेश, तुझे देखते शालू डर जाएगी। बहुत ही मजा आएगा। बाबूजी का कॉल आ रहा है, बाबूजी फोन कर रहे हैं। अरे यार बिजली चली गई, जल्दी से इन्वर्टर ऑन करना। भाभी करो फोन से भी कंट्रोल, सुकैम का ब्रेनी इको इन्वर्टर। वो कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ, वीनस क्रीम बार। सी हिंदुस्तान, स्टेट्स मेक द नेशन। और सीधे आपको ले चल रहे हैं लखनऊ के एकेटीयू, जहां पर पीएम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। 2022 में आजादी के 75 साल होंगे, क्या 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी नहीं है कि देश के दीवानों के सपनों को पूरा करने के लिए हम हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं? क्या 125 करोड़ देशवासी मिलकर के इस देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं? मेरा आत्मविश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों में वो सामर्थ्य है कि हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमने एक संपदा संजोया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल हो, हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास उसका अपना रहने के लिए घर हो। उसको अपनी छत हो, और घर भी वो हो जिसमें शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, नजदीक में बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाएं, ग्रामीण आवास का, शहरी आवास का, और उसी के तहत कुछ माताओं को आज आवास मिले, उनको घर मिले, उसके लिए एक सम्मति पत्र सरकार की तरफ से दिया गया। और एक मां कह रही थी, अब अच्छा हुआ, बोले मेरा मकान बन जाएगा, बच्चों की शादी कराऊंगी और आपको शादी में बुलाऊंगी। उनका इतना उत्साह था। सपने जब सच होने लगते हैं तब इंसान किसी भी अवस्था में क्यों ना हो कुछ कर गुजरने का मजा पैदा होता है, वो मैंने उस मां की बातों से देखा। शब्द उनके थे लेकिन वो भाव बड़ी प्रेरणा देती थी।
आज बिजली ऊर्जा ये विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी ड्रीवन की लाइफ में ऊर्जा का अपना एक सामर्थ्य है। रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा देश में एक नई क्रांति लाने का प्रयास चल रहा है। एलईडी बल्ब घर घर पहुंचा करके बिजली बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। करीब 22 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी के बल्ब पिछले एक साल के भीतर भीतर घरों में लग चुके हैं और उसके कारण बिजली उससे भी ज्यादा मिलती है, लेकिन खर्चा इस एलईडी बल्ब के कारण जिन परिवारों में एलईडी बल्ब का उपयोग हो रहा है उससे जो बिजली के बिल की बचत हो रही है वो करीब करीब 12 से 13 हजार करोड़ रुपए की बचत हो रही है। ये सामान्य मानवी के पैसे बच रहे हैं। आज 400 केवी का ट्रांसमिशन लाइन का यहां मैं लोकार्पण कर रहा हूं। ये जो मध्य भाग है कानपुर तक का पूरा, उन्नाव समेत सारा, वहां पर क्वालिटी बिजली जो यहां के औद्योगिक जीवन को मदद करेगी, यहां के घर में जो बिजली चाहिए वो मदद मिलेगी। और आपके यहां तो बिजली वितरण में भी वीआईपी कोटा रहता था, मैंने सुना है कुछ डिस्ट्रिक्ट बड़े वीआईपी रहते थे, वहां बिजली का एक प्रकार रहता था और कुछ भी डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जे। मैं योगी जी की बधाई करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनका कि उन्होंने सभी 75 जिलों को एक समान रूप से बिजली के कारोबार का मदद करने का निर्णय किया। शासन का यही काम होता है, कुछ को विशेष लाभ और कुछ को कुछ नहीं, इसको खत्म करने में कितनी दिक्कत आती है मैं जानता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है योगी जी करके रहेंगे, उन्होंने तय किया है, परिणाम ला के रहेंगे। भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों पर पार करने का देश प्रयास कर रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। 125 करोड़ देश, इन 125 करोड़ देशवासियों का ताकत आज पूरा विश्व ये मानता है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। पूरा विश्व आज भारत को गौरव की तरफ देख रहा है। अब हम सब 125 करोड़ देशवासी मिलकर के तय करें, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक मिलकर के तय करें, आप देखिए बदलाव कैसा होता है। 1 जुलाई से जीएसटी का प्रारंभ हो रहा है, इस देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस देश के सभी राजनीतिक नेता कितना ही विरोध क्यों ना हो, इस देश की सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर के एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने आ रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की सिद्धि है, भारत के राजनीतिक दलों की मैच्योरिटी की सिद्धि है। दल से ऊपर देश, ये हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों ने दिखा दिया है। मैं सभी राजनीतिक दलों का आभारी हूं, मैं सभी राज्य सरकारों का आभारी हूं, मैं सभी विधानसभाओं का आभारी हूं, लोकसभा का, राज्यसभा का आभारी हूं। सबने मिलकर के इस जीएसटी लागू करने के लिए प्रयास सफलतापूर्वक किया है और मुझे विश्वास है कि 1 जुलाई के बाद नागरिकों के सहयोग से, खास करके छोटे मोटे व्यापारियों के सहयोग से हम सफलतापूर्वक जीएसटी में आगे बढ़ेंगे, तब दुनिया के लिए बहुत बड़ा अजूबा होगा कि इतना बड़ा देश इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है।
भारत के लोकतंत्र की ताकत का पहचान होगी दुनिया को कि इस देश के सभी दल, सभी भिन्न भिन्न विचारधारा वाले दल देश हित में कंधे से कंधा मिला करके कितना बड़ा फैसला करते हैं, ये दुनिया के सामने एक अजूबा की तरह दिखने वाला है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी की ताकत है, भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की लीडरशिप की मैच्योरिटी की ताकत है कि संभव हुआ। और इसलिए इसकी क्रेडिट न मोदी को जाती है, न एक सरकार को जाती है, ये 125 करोड़ देशवासियों को जाती है, भारत की मैच्योर लोकतंत्र को जाता है, देश के सभी राजनीतिक दलों को जाता है, देश की सभी विधानसभाओं को जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को जाता है। अब इतना बड़ा काम हुआ है, हम उसे समझे, कठिनाइयां है तो सरकार ने सारी व्यवस्था की है, इन कठिनाइयों को दूर करने के पूरे प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन एक सफल यात्रा और अधिक अच्छी तरह सफल हो उसके लिए 1 जुलाई से सभी देश के विशेष करके व्यापारी कौम ये उसको अपने कंधे पर उठाए, 2 कदम आगे चले और सरलतापूर्वक उसको पार करने में देश का नेतृत्व ये हमारे व्यापारी आलम करें और करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं आप सबको, इस कैंपस में पढ़ने वाले, इस कैंपस से जुड़े हुए सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सफलता के लिए बहुत बहुत अभ्यर्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका उद्बोधन देश के विकास पर केंद्रित रहा और यह अस्पष्टवादिता, पूरे देश इस अस्पष्टवादिता की कायल है। सर, हम लोगों का तो यह मानना है कि सत्य क्यों कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। देवयोंग सज्जनों, कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है, मेरा निवेदन प्रेषित है माननीय कुलपति महोदय से कि मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रस्तुत करें। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, जिससे कि इस विश्वविद्यालय की यादगार सदैव आपके मानस पटल पे बनी रहे। हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस विश्वविद्यालय के इस नवीन परिसर का लोकार्पण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथिगण को, धन्यवाद जितने यहाँ पर हमारे आगंतुक लोग हैं सबको, धन्यवाद इस व्यवस्था के लिए, जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं आप सबको विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। तो लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया और उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ से अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।